नमस्ते एंड वेलकम ब्यूटीफुल सोल ब्यूटीफुल पीपल, ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो ये लेट्स टॉक का आई गेस सिक्स एपिसोड है। तो कल हमने ये डिस्कस किया कि और हमें जो हमारे ऊपर जो इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल होना चाहिए, हमें ये आना चाहिए और हमें ये सीखना भी चाहिए कि हमें अपने इमोशंस किस तरह से कंट्रोल करने हैं। तो उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्यार से रिलेटेड वो ये है कि डिस्टेंस, कोई भी रिलेशनशिप हो, खासकर जब बात आती है लव की, कपल्स की, पार्टनर की, तो उन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस होना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं, हम धीरे धीरे जानने और समझने की कोशिश करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। और अब मान लीजिए समझिए लव मैरिज में ही देख लेते हैं, और जो कपल पहले ही मतलब समझिए हमने ये मान लिया कि प्यार सच्चा है, दोनों शादी करना चाहते हैं और उस पड़ाव तक पहुंच भी चुके हैं, शादी भी हो चुकी है, लेकिन फिर उनके साथ में क्या होता है, उनके पास जो है लाइफ में मतलब न्यूली मैरिड है वो, लेकिन उनके पास कुछ भी एक्साइटिंग नहीं होता करने के लिए। उसका रीज़न ये कि जब हम आपस में एक दूसरे से मिले तो हमने जो ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोमेंट होते हैं दो लोगों के बीच में वो ऑलरेडी हमने जी लिए, घूमना फिरना, रोमांस, प्यार करना, यहाँ पे आना जाना, एक्साइटिंग चीज़ें करना, लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं मतलब शुरुआत की, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो शादी हो गई है तो फिर उनको ये सोचना पड़ता है कि आप क्या करें, चलो ठीक है शुरुआत की फिर भी एक दो महीने उन्होंने निकाल लिए, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में इतना एक्साइटमेंट नहीं होता जितना एक अरेंज मैरिज कपल में होता है। अगर वो सच में आप एक दूसरे के साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हो, शादी को निभाना चाहते हैं, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप घूमने फिरने नहीं जाओ, ऑफकोर्स आपको ये करना होगा, क्योंकि अगर किसी को ऑब्जर्व करना है, जानना है, तो जाहिर सी बात है हमें उसके साथ में टाइम जो है स्पेंड करना चाहिए, तभी तो हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जान पाएंगे, उस इंसान को समझ पाएंगे, लेकिन एक लिमिट रखते हुए। ये ना हो कि आपने जो भी कपल्स के बीच में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी शादी से पहले ही कर ली हैं, तो फिर अब बाद में घूमना फिरना हो गया, स्मॉल स्मॉल हनीमून भी बना लेते हैं अभी तो, खैर मतलब बाहर घूमने फिरने भी चले जाते हैं, तो मतलब और में सब कुछ ही हो गया है, तो सपने भी देख लिए, उनको पूरा भी कर लिया मिलकर, तो फिर अब साथ में आ गए तो फिर अब करने के लिए बचा ही क्या, थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर कर लेते, फिर जिम्मेदारी आ जाती है, करियर पर फोकस हो जाता है, फिर वापस से वही बात होती है, लोगों के मन में ये बातें आना शुरू हो जाती हो कि शादी से पहले तो इतना वक्त दिया, प्यार किया, और अब हमारी जरूरत नहीं, शायद मन भर गया, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो मतलब उस चीज़ को हमें इतना नहीं खींचना है कि जब वो मिल जाए तो उसकी वैल्यू हमें ना रहे, हम इंसान हमारे ऐसे नेचर होता है, शुरुआत में कोई चीज़ मिलती है उसका एक्साइटमेंट अलग होता है, यूज़ करने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ पर तो एक बात पूरे इंसान की हो रही है, तो लोगों की हो रही है, तो ये कुछ ऐसा सा है कि एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारी लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, आगे नहीं तो कल हम सब कुछ चले जाना है, लेकिन फिर भी हम फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करते हैं, खासकर जब हम बूढ़े होंगे तो हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो हम कर सकें, ठीक है। अब ये बात में 15-16 साल के लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि उस उम्र में हम सिर्फ खर्च करना जानते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो सेविंग के बारे में उस एज में सोचते होंगे, तो वैसे होता है पैसे आए हैं, इन्जॉय करना है लाइफ को, सपने पूरे करने, क्योंकि उस वक्त माँ बाप हमें संभाल रहे होते हैं, तो जब हम कमाने लग जाते हैं मतलब खासकर 25, 30, 35 आफ्टर 40 ऐसे होता है कि भले उस इंसान को तब ना समझाओ, लेकिन धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती चली जाती है, इंसान जीता है, हर पल को देखता है, तो वो फिर अपने फ्यूचर के बारे में डेफिनेटली सोचता ही है और सेविंग करना भी शुरू करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो ज़िंदा है और उस उम्र के पड़ाव पर आएगा तो उसे कई सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो वो अपनी लाइफ को जो उस तरीके से जीना शुरू करता है, सेविंग्स करते हैं, ज़िंदगी देखने का नज़रिया सब कुछ बहुत कुछ बदल जाता है फिर। तो उसी तरह से जब आप रिलेशनशिप में हो तो मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब डिसाइड ही कर लो कि हम ये चीज़ें करेंगे, ये नहीं करेंगे, एक्साइटमेंट भी ज़रूरी है, दूसरे को जानना भी ज़रूरी है, तो मिलना भी ज़रूरी है,
लेकिन हर चीज़ हम करें तब ये ज़रूरी नहीं है। घूमने फिरने चले गए कई कई दिन तक फ्रेंड्स के साथ में, तो मतलब सब कुछ पहले हम लोगों ने मतलब कर लिया, मतलब एक दूसरे के साथ में इतना टाइम स्पेंड कर दिया, एक दूसरे से कोई डिस्टेंस नहीं रखा है, इसलिए डिस्टेंस मेंटेन करना ज़रूरी होता है, इससे जो प्यार भी बरकरार रहता है। हम 24 घंटे एक ही इंसान से चिपक कर रहेंगे, बाद में फिर हम खुद ही उस इंसान से मतलब दूर होने लग जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता है। तो इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। तो जब हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं जो आया नहीं है, तो क्योंकि हम जानते हैं कि अगर ज़िंदा है तो वो कल भी आएगा, उसकी जॉब प्रिपरेशन हमें अभी से ही करनी है। तो उसी तरह से हम सब ये भी जानते हैं कि हाँ कभी ना कभी शादी तो ज़रूर होगी भाई, अगर करनी है तो ठीक है शादी होगी, तो उस इंसान के साथ रहना भी जीना भी सारी चीज़ें करनी है, खाना पीना सोना बाहर आना जाना, लाइफ के बारे में डिस्कशन करना, एक्साइटिंग चीज़ें करना, नई चीज़ें ट्राई करना, बाहर आना जाना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब हम जानते हैं कि हमारी शादी होगी, भले उस इंसान से हो या फिर किसी और से, हम जानते कि कभी ना कभी तो हमें शादी करनी है, मेरा भी कोई पति होगा या मेरी भी कोई पत्नी होगी, तो क्यों ना मैं भी उसके लिए कुछ चीज़ें संभाल कर रखूँ। तो ये हमें अपने मन को खुद से कहना है कि लाइफ में होती है कुछ चीज़ ऐसी जो वो प्यार हो, खैर हो या और कोई भी चीज़ें हो, तो ये तो मैं सिर्फ अपने पति के लिए बचा कर रखना चाहती हूँ, या फिर ये सिर्फ मैं अपनी पत्नी के लिए ही करना चाहता हूँ। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, कुछ ऐसा हमें जो है डिस्टेंस रखना है और कुछ चीज़ें बचा कर रखनी है अपने उस लाइफ पार्टनर के लिए, जो एक बार आपका हो जाएगा तो ज़िंदगी की आखिरी सांस तक, सोच कर देखिए ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो इंसान आपके लिए आपके साथ रहने वाला है। तो उसे हम यूँ इग्नोर तो नहीं कर सकते ना कि कल का कल देखा जाएगा, नहीं। तो जो इंसान हमारी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इतना मायने रखता है, तो हम उसके लिए आज से क्यों नहीं इन्वेस्ट कर सकते, आज से उसके बारे में क्यों नहीं सोच सकते, जब वो आएगा तभी सोचेंगे क्या? नहीं। तो इसीलिए डिस्टेंस रखना ज़रूरी है, खुद से ये कहना ज़रूरी है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं सिर्फ अपने पति के साथ करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें जो मैं सिर्फ अपनी पत्नी के साथ करना चाहता हूँ। फिर चाहे फ्यूचर प्लान करना हो, बाहर घूमने जाना हो, या प्यार के अगले पड़ाव तक जाना हो, कोई भी हो, तो एक लिमिट रखना ज़रूरी है, डिस्टेंस रखना ज़रूरी है। डिस्टेंस बना रहेगा तो एक्साइटमेंट बनी रहेगी दूसरे को जानने की, और जब एक्साइटमेंट बनी रहती है दूसरे को जानने की, तो हम उस इंसान के बारे में और सोचते, और जितना हम किसी को सोचते और जानने की कोशिश करते उतना ही हम जो धीरे धीरे उसे समझ पाते हैं। तो इसलिए डिस्टेंस बना कर रखें, एक लिमिट सेट कर लें अपने लिए। तो ये लिमिटेशन के बारे में हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए आपको इतना सिर्फ समझना है कि किसी भी रिश्ते में जो है डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करोगे और एक ही चीज़ पर आपका फोकस रहेगा, तो वो सारी चीज़ें बाद में जो है बहुत ही ज़्यादा रोने जाते हैं। शुरुआत के पीरियड में अगर हमें कोई मिला है, पसंद है, तो ऑफकोर्स हमें उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए और देना ही पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि आप चेप होकर ही रह जाओ, नहीं। अब आपको पता है कि आपको उसके साथ लाइफ बितानी है, आगे भी बढ़ना है, तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। और फिर और सबसे पहले बात, कोई मेरे या ना मिले, आपको खुद से ही कहना है कि हाँ अगर मैं शादी करना चाहता हूँ या अगर मैं शादी करना चाहती हूँ, तो मैं जानती हूँ कल को मेरा कोई पति भी होगा या मेरी कोई पत्नी भी होगी, तो कुछ चीज़ें जो मैं सिर्फ उसके लिए रखना चाहता हूँ, मैं किसी और को नहीं देना चाहता, किसी और के साथ नहीं करना चाहता, तो वो सिर्फ मेरे पति के लिए है, मेरी पत्नी के लिए है। और इस कुछ चीज़ों को आप गलत मतलब ना निकालें, एक कपल के बीच में जो है करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेशन आपको बनानी है कि आप अपने उस इंसान को जिसके साथ अपने आने वाली आखिरी सांस तक आप साथ रहने वाले हो, अगर सब सही हुआ तो, सोचो जितने साल आप जियोगे वो इंसान हर पल हर घड़ी आपके साथ होगा, तो हमें उसके लिए आज से सोचना ज़रूरी है जो कुछ चीज़ें हैं जो हम सिर्फ उनके लिए बचा कर रख सकते हैं। तो आपको ये करना चाहिए, तो इससे बाद में भी आपका रिश्ता मजबूत होगा। अब ये बाद में मैटर करता है कि आप इस इंसान को पहले से जानते हैं या नहीं जानते, हो सकता है वो आपका गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, बाद में जाके पति या पत्नी बन जाए, या फिर हो सकता है वो अरेंज मैरिज हो, तो कोई भी हो, लेकिन खुद से हमें ये कहना है कि कुछ चीज़ें होती है कि जो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ही की जाती है। मेरी कल को शादी होगी तो वो जो भी लाइफ पार्टनर होगा उसके साथ में ये करना चाहूँगा। तो इसलिए इस वक्त अगर आप रिलेशनशिप में, तो एक डिस्टेंस बना के रखिए, पूरा दिन रात सुबह शाम एक ही इंसान के पीछे ना पड़े रहे, क्योंकि बाद में फिर खुद आप परेशान हो जाएगी और सामने वाला भी परेशान हो जाता है एक पॉइंट पर आकर, क्योंकि जब चीज़ें बदलने लग जाती हैं तो फिर उस इंसान के लिए भी उसे समझना और
एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है और आपके खुद के लिए भी हो जाता है, इससे झगड़े बढ़ते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही को समझाए और एक सटीक सही इंसान बना कर रखें। तो ये वीडियोस बनाने का एक ही मकसद है मेरा कि जो भी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में हेल्पफुल, और इससे आपकी लाइफ थोड़ी और बेटर बन सके बेटर बन सके। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो आप वो भी बता सकते हैं। अभी तो बहुत सारी बातें हैं जो हमें शेयर करनी है। सो जहाँ भी रहें दिलो दिमाग से खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।